भारत और पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और उस बॉर्डर पर सटा बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिले में अवैध मादक पदार्थ MD बनाने की फैक्ट्री चलती है, ये बात कोई सोच नहीं सकता, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इस MD के नशे ने कितने युवाओं को बर्बाद कर दिया है, कितने घर बर्बाद हो गए हैं, इस बात को लेकर हम लगातार आपको खबर दिखाते रहते हैं। लेकिन आज एक ऐसी खबर मिली है कि बाड़मेर में गंगाला गांव की सरहद, जो खारा और गंगाला गांव की सरहद है, वहां पर कई धोरों के बीच में चारों ओर से धोरे ही धोरे, उसके बीच में ठेत, आप ऐसे इंटीरियर जगह पर एक ढाणी बनाई गई है। लोगों ने कितना दिमाग लगाया, सोचिए, फैक्ट्री का रूप नहीं दिया, बड़े कमरे इस प्रकार का हॉल नहीं बनाए, झोपा बनाया, एक छपरा बनाया, ईंटों का कमरा बनाया, चारों ओर से ऐसी बाड़ भी बनाई ताकि किसी को डाउट नहीं हो कि यहां पर क्या चल रहा है। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें अंदर लाई गई हैं, अंदर एयर कंडीशनर, एसियां लगी है सारे इसके अंदर, बड़ी बड़ी मशीनें। इस कमरे की हाइट देखिए 20 फुट तक इसकी हाइट है, और अंदर जो है सारा का सारा अवैध मादक पदार्थ के सामान यहां पर चलती हैं, MD बनती है। और जब इस चीजों को लेकर NCB या DRI जो भी इनको लेकर टीमें, हालांकि अभी तक पूरी जानकारी हमारे सामने आनी शेष है कि कार्रवाई किसने की है, उनकी टीम ने ड्रोन भेजा यहां से ऊपर इसको ट्रेस आउट करने के लिए, ड्रोन से मालूम चला पाए कि ये है क्या। अब जानकारी ये सामने आई है कि बंबई या दिल्ली में या अहमदाबाद में कहीं पर भी इस प्रकार की सामान जो MD होता है वो सप्लाई करने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा, उनसे पूछताछ की गई, तब उन्होंने कहा कि हमारी फला फला जगह पर एक फैक्ट्री है। अब जरा सोचिए, ड्रोन के माध्यम से आप इसको पता लगा, और बड़ी मुश्किल से हमने आपको वीडियो में बताया कि कैसे इस पूरे इंटीरियर में कई धोरे पार करके यहां पहुंचे हैं। यहाँ तो इंसान तो क्या, पशु हैं, जानवर हैं, वो भी यहाँ पर नहीं चरने आते होंगे, क्यों इतना इंटीरियर एरिया है और यहाँ पर ये सब चीजें चल रही है। हालांकि इसको सील कर दिया गया है, पूरी फैक्ट्री को आप देखिए कि अभी जो टीमें आई हैं कई जगह पर ये सील की कार्रवाई हुई है, दूसरी जगह हमारे आपको पूरी चीजें दिखाएंगे और बाहर से भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये आप ढाणी देखिए कि फैक्ट्री, MD की फैक्ट्री वाली ढाणी इसको कह सकते हैं, MD की फैक्ट्री वाली ढाणी, ये भी एक नाम रख सकते हैं। और जरा देखिए कि सभी जितने भी गेट हैं उन सबको सीज कर दिया गया है, और ये मेरे सहयोगी आपको दूर से भी दिखाएंगे तमाम चीजें कि ढाणी को किस तरीके से इन्होंने रूप दिया है। आप देखिए जरा इस चीज को देखिए कि ये एक ढाणी है, गांव में जैसे अपन गांव के लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, अपने खेतों में जो ढाणी बनाते हैं, घर बनाते हैं, वैसा इन्होंने घर बनाया, और चारों ओर से धोरे ही धोरे हैं और कुछ भी नहीं है, चारों ओर से। इसको अपन यहाँ की भाषा में नाण बोलते हैं, नाण, एक नाण के अंदर ये सारी चीजें बनाई है, ढाणी है और चारों ओर से बाड़ भी की है इस टाइप की ताकि किसी को डाउट नहीं हो। अब ये सोचने वाली बात है कि ये कितने समय से चल रहा है, या कोई पहले यहाँ पर ढाणी बनी हुई थी उसको उन्होंने लिया है। यहाँ के जो भी ऐसी बात सामने आई है कि इसके जो एक्सपर्ट हैं वो स्थानीय लोग नहीं है, उनको झांसे में लिया गया है कि हम लोग कुछ करेंगे, या लालच दिया होगा उनको, लगा हुआ कुछ ना कुछ बन रहे। अभी हालांकि पूरी बातें आने शेष हैं, लेकिन कितना बड़ा गिरोह यहाँ पर किस तरीके काम करता है, खारा और गंगाला गांव की सरहद पर ये पूरा बना हुआ है, पूरी जानकारी हम हमारे पास जैसे आएगी पूरी आपको अपडेट भी देंगे। लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि क्या क्या यहाँ पर चल रहा है। धन्यवाद।